नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आस हॉर्टिकल्चर एंड नेचर में। तो जैसे कि हम आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों आज हम वही जो मार्केट में 10 रुपये की 4 या 6 गोलगप्पे मिलते हैं, तो आज हम बस 20 रुपये के मैदे से वह बनाने वाले एकदम भरपेट फैमिली के लिए। तो चलो हम इसकी रेसिपी चालू करते हैं। तो देख सकते हो हमने 20 रुपये का 1 पाव मैदा लिया है। उसके बाद हमने अपने घर के खाने का तेल ले लिया है। अगर आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं तो आप वो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख सकते हो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से आटे के जैसे इसे गूंद लेंगे। हमारे गोलगप्पे अब बिल्कुल बनने के लिए रेडी है। तो यह मार्केट की तरह अच्छी तरह फूलना चाहिए, इसलिए हम इसे अच्छी तरह अभी ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे अपनी गोलगप्पे की पानी की। तो हाँ दोस्तों, इसे ढक के रख देंगे। उसके बाद देख सकते हो सबसे पहले हम आलू ले लिए, उसके बाद उसमें अच्छी तरह पानी डाल देंगे। अगर आपको जितना आलू लेना है, ज़्यादा लेना है, कम लेना है, वो आप पर डिपेंड है, तो आप ले लीजिए। और हमने देखो कुछ आलू ले लिए। उसके बाद हम अच्छी तरह इसे कुकर में रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर रख कर इसे अच्छी तरह पकने देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने पानी बनाने के लिए कुछ लहसुन के पत्ते, कुछ पुदीने के पत्ते और कुछ हरी मिर्चियाँ, कुछ जलजीरा का पाउडर और गुड़ लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ जिंजर लिए हुए हैं जो कि हमने ऑलरेडी छील के रख दिए है, और हमने लिया है लहसुन के बाइट्स और थोड़ा धनिया। अगर आपके पास इमली अवेलेबल हो तो आप वो डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। हमारे पास इमली अवेलेबल नहीं है तो हम वो नहीं डाल रहे। तो आप देख सकते हैं हम अच्छी तरह मिक्सर के जार में इसे एक एक कर सब कुछ हम इनमें डाल देंगे। पत्ते, पुदीना के पत्ते, लहसुन के पत्ते, सब कुछ डाल देंगे एक साथ और अच्छी तरह इन्हें ग्रेड कर लेंगे पानी बनाने के लिए। देख सकते हो हम अब चिलियाँ डाल रहे हैं। उसके बाद हम ये लहसुन वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब कुछ ऐड करने के बाद हम थोड़ा पानी, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमें और इसे अच्छी तरह ग्रेड करना है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह ग्रेड हो चुका है, इसमें कोई खुरदुरा नहीं रहा है। अब देख सकते हो आपको जितना लगता है उतना आप पानी डाल सकते हैं इसमें। तो हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारी गोलगप्पे की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे। उसके बाद हम अपना जलजीरा ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो आप इस तरह। फिर उसके बाद हम थोड़ा चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। हमने मिर्ची थोड़ी कम डाली थी तो दोस्तों हम चिली पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप ना डालें। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बाकी है जैगरी, तो अब वो भी जाने के लिए रेडी है। तो देख सकते हो हमने इसे थोड़ा गर्म पानी में ये किया हुआ है ताकि ये अच्छी तरह घुल जाए। तो देख सकते हो, तो हम इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब हमारा पानी बिल्कुल रेडी, अब हमारे गोलगप्पे बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई लगा दी है। उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। अगर आपको सरसों का लेना है सरसों का, लेकिन मैं तो बोलूँगी कि रिफाइंड ऑयल ही बेस्ट है। हमारे आलू बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं, तो अब हम इसे देख सकते हो एक एक करके छील के निकाल देंगे बिल्कुल इस तरह, और इसे अब थोड़ी देर ठंडे होने के लिए रख देंगे। जब तक के लिए हम अपने गोलगप्पे का रेडी करते हैं। तो देख सकते हो हमने जो मैदा किया था उसे एक बार और घुमाकर हम उसके छोटे छोटे रोल बनाएंगे और रोटी की तरह बिल्कुल ऐसे गोल करेंगे। और आपके पास छोटे ढक्कन हो कोई भी बॉटल के तो वो ले लीजिए। इस तरह बिल्कुल हम इसे काट लेंगे रोटी बनाकर। तो देख सकते हो आप बिल्कुल इस तरह करना है, और फिर उसे हम ऑयल में डाल देंगे। तो देख रहे हो ये बहुत अच्छी तरह फूल रहे हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह गोलगप्पे। तो देख सकते हैं अब हम इसे अच्छी तरह ब्रेड होने, उसके बाद हम देखो इस तरह इसे एक एक कर निकाल देंगे। देख सकते हो हमारा आलू बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो अब उसके बाद हमने जो भी वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर, मिर्ची और उसके बाद लहसुन के पत्ते, धनिया काटे थे, तो हम सब कुछ इसमें मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर और नमक वो है, तो सबसे पहले हम सारी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर देंगे एक एक कर। तो सबसे पहले प्याज व्याज हमने सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद आप अपने स्वाद अनुसार नमक और चिली पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें बस इसे मिक्स करना है, पकाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गोलगप्पे में कोई भी पकाया नहीं होता है, हम आलू के पराठे नहीं बना रहे। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल अच्छी तरह इसे मिक्स कर दिया है। अब हमारे गोलगप्पे बिल्कुल रेडी है बनकर। तो अब हम इसे टेस्ट भी कर दिखाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हमारे गोलगप्पे बनकर रेडी है बिल्कुल मार्केट की तरह, हमने इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है। आप भी घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हो कम खर्चे में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।